मारिया अपने फ्रेंड चार्ल्स को अपने हॉस्टल के रूम में लेकर आई ही थी कि तभी हॉस्टल की लाइट चली गई। ओ गॉड, इतनी सर्दी में लाइट को भी अभी जाना था। अच्छा खासा जलता हुआ हीटर भी बंद हो गया। कोई बात नहीं मारिया, मैं कैंडल जला लेता हूँ। जरा धीरे बोलो चार्ल्स, मेरी हॉस्टल की वार्डन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर गलती से उसने तुम्हारी आवाज़ सुन ली ना, तो मुझे अभी इसी वक्त हॉस्टल से बाहर निकाल देंगी। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कैंडल जला दी। अचानक ही चार्ल्स की चीख निकल गई। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? चीख कर पूरे हॉस्टल को उठाओगे क्या? ये कोई तरीका है क्या मजाक करने का? चार्ल्स ने कांपते हुए उंगली से छत की ओर इशारा करके कहा। वो क्या है मारिया? मारिया की जैसे ही नजर रूम की छत पर गई तो उसके गले से दहशत के मारे चीख निकल गई। अगले दिन मारिया और चार्ल्स की लाश हॉस्टल के चर्च के सामने बने हुए एक पुराने कुएं में मिली। इस घटना के 6 महीने बाद एना हाथ में मार्कशीट पकड़े हुए अपने घर में घुसी और अपने पिता को देखकर खुशी से बोली, डैडी देखिए मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मुझे तुम पर हमेशा से गर्व रहा है। तुम्हें जितना पढ़ना था एना, तुमने पढ़ लिया। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी ने टॉप किया है, मैं उसे आगे और पढ़ाना चाहता हूँ। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली डैडी। मैंने इन कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन की बात कर ली है, मगर तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा। क्या तुम रह पाओगी? हाँ डैडी, क्यों नहीं। एना उसी दिन अपने पिता के साथ एक गर्ल्स हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल की वार्डन मार्था एना को देखकर बोली, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा इस कॉलेज के हॉस्टल में न्यू एडमिशन हुआ है, क्या आप मुझे मेरा कमरा बताएंगी? हाँ जरूर। इतना कहकर मार्था ने एना की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। आपका रूम मिल गया है और ये लीजिए चाबी। मेरे रूम का नंबर क्या है? वो चाबी की टैग पर लिखा है, रूम नंबर 101। थैंक्स। कोई बात नहीं, कुछ भी समस्या आए तो मुझे बुला लेना। जी बिल्कुल। एना अपने पापा को अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। एना ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। क्या हुआ बेटी, तुम रुक क्यों गई? पता नहीं डैडी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। कुछ देर बाद एना के पिता एना को हॉस्टल के कमरे में छोड़कर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। एना अपने रूम से निकली ही थी कि अचानक एक लड़की ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मेरा नाम जूलिया है, तुम रूम नंबर 101 में शिफ्ट हुई हो ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वहाँ मत रहो नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। क्या बकवास कर रही हो तुम, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो, आगे तुम्हारी मर्जी। एना गुस्से से आगे बढ़ गई और बड़बड़ाने लगी। आखिर समझती क्या है ये अपने आप को? इतना कहकर एना ने जैसे ही मुड़कर देखा तो अब वहाँ पर जूलिया नहीं थी। ये कहाँ गायब हो गई? एना अपने रूम की तरफ चली गई। एना के रूम की बालकनी के सामने बने चर्च के बाहर कुआं साफ दिखाई दे रहा था। एना वहां पर खड़ी थी कि तभी उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी, मगर अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। एना को अचानक नींद आने लगी और वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे जूलिया खड़ी थी, जो एना को बगैर पल के झपकाए घूरे जा रही थी और उसे देखकर पता नहीं क्यों एना के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। उसने डरते डरते हकलाते हुए कहा, आखिर तुम हो क्या और तुम कब दबे पाओ मेरे रूम में आ गई? तुम्हारी कदमों की आहट तक मुझे सुनाई नहीं दी।
तभी अचानक जूलिया गायब हो गई। आखिर ये कहाँ चली गई? कुछ सेकंड्स पहले तो यहीं पर खड़ी हुई थी। अरे ये सब हो क्या रहा है? ये जो कुछ मैं देख रही हूँ वो सच है या मेरा वहम? एना बेड पर बैठ गई। अचानक उसका पूरा हाथ खून से नहा गया। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ अचानक खून से कैसे रंग गए? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? अचानक छत से खून की बूंदें एना के हाथ पर टपकने लगी। एना ने जैसे ही छत की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। एना चीखती हुई बोली, ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच है या मेरा वहम? छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरा काला था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल थीं। अचानक वो भयानक दिखने वाली लड़की कूदकर नीचे आ गई और एना को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तुम जो कुछ भी देख रही हो वो तुम्हारा वहम नहीं बल्कि सब कुछ सच है। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अचानक उस लड़की की जीभ लंबी हो गई और उसकी जीभ ने एना की गर्दन को जकड़ लिया। एना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर से उसका खून खींच रहा हो। तभी अचानक एना के कानों में मार्था की आवाज टकराई। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ लेकिन तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी हुई खड़ी हो। अचानक एना ने खुद को अकेला खड़ा पाया। वो बड़ी फुर्ती से मार्था की ओर पलटकर देखने लगी। क्या हुआ? एना ने एक ही सांस में मार्था को सारी घटना बता दी। कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता एना, हमारी आंखों का भ्रम भी होता है। याद रखना, अगर तुम उसे सच समझोगी तो वो सच होगा और अगर भ्रम समझोगी तो सिवाय भ्रम के और कुछ भी नहीं होगा। एना मार्था को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताइए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? मार्था एना की बात का बगैर जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह एना फिर से मार्था के पास जाकर बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है एना, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कल जो भी घटना मैंने आपको बताई थी, मेरा मन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो मेरा वहम था। कल आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी आंखों देखी को वहम समझूंगी तो वो वहम होगा और अगर हकीकत समझूंगी तो हकीकत होगा। इस पहेली की सच्चाई क्या है? एना की बात सुनकर मार्था एना को बहुत ही गौर से देखते हुए बोली, कभी कभी सच कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होता है एना। बहुत सालों पहले इस हॉस्टल के कमरे में जूलिया नाम की एक लड़की रहा करती थी जो चर्च के अंदर काला जादू करती थी। एक दिन हॉस्टल की पहली वार्डन ने जूलिया को अपनी आंखों से एक मासूम की बलि देते हुए देख लिया। मारने के बाद वो लाश को चर्च के सामने बने हुए कुएं में फेंक दिया करती थी और आवेश में आकर लोगों ने जूलिया को जिंदा जला दिया। एना डरी हुई नजरों से मार्था की ओर देखने लगी। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में हॉस्टल में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जो भी कोई जूलिया के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। मार्था ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक एना के होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। या अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? एना भारी आवाज में मार्था की ओर देखकर बोली, जब तुम्हें पता है कि इस बारे में जब कोई बात करता है तो वो जीवित नहीं बचता, ये जानने के बाद भी तुमने जूलिया के बारे में हॉस्टल में आई नई लड़की से बात करनी शुरू कर दी। एना की जुबान से ये शब्द सुनकर
मार्था का शरीर डर से थरथराने लगा। अचानक ऐना का चेहरा देखते ही देखते जूलिया के रूप में परिवर्तित हो गया। जूलिया अपना भयानक चेहरा लिए हुए उसके सामने खड़ी थी। जूलिया का भयानक चेहरा देखकर मार्था की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नामुमकिन, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ सकती। तुम्हें भी दूसरी वार्डन की तरह मरना होगा। तुम तो यहाँ पर 10 साल से वार्डन की जॉब कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गर्ल्स हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल नहीं बल्कि मौत का गर्ल्स हॉस्टल कहते हैं। अचानक जूलिया की जीभ लंबी हो गई और मार्था की गर्दन से लिपट गई। कुछ ही पलों में मार्था का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। अचानक जूलिया का चेहरा सामान्य हो गया और वो ऐना के रूप में परिवर्तित होकर बेहोश हो गई। अगले ही पल उसकी आंख खुली तो ऐना ने देखा कि उसके सामने खड़ी भयानक जूलिया और मार्था की लाश पड़ी हुई थी और वो चर्च के सामने कुएं के पास खड़ी थी। तुझे समझाया था ना मैंने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और लोग मुझे डायन कहते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते कि मैं तो यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। मेरी आत्मा उसी कुएं और इस रूम से जुड़ी हुई है। क्या मार्था को भी तुमने जान से मार दिया? क्योंकि वो एक राज को राज बनाकर नहीं रख पाई, इसीलिए मारी गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो वैसे भी मरना ही है, क्योंकि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे रूम में रुकने की गलती मत करना। अचानक जूलिया की आंखों में खून उतर आया। तभी ऐना के कानों में मार्था की कल की बताई हुई बात गूंज गई। तू सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? इतना कहकर ऐना बगैर देरी किए हुए बेहद फुर्ती से भागी। जूलिया चाहकर भी पीछा नहीं कर पाई। ऐना दौड़कर हॉस्टल से बाहर निकल आई। ऐना आज तक उस मौत की गर्ल्स हॉस्टल को नहीं भूल पाई। आत्माओं का हॉस्टल। गीता और दीपिका रोजाना बैडमिंटन खेलने जाते थे। आज भी गीता शाम को ठीक 5 बजे दीपिका के घर पहुंच गई। आंटी, दीपिका कहाँ है? बेटा, आज दीपिका बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वो सो रही है। गीता उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वो शांति देवी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो देखती है कि हॉस्टल के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसे बुला रही हैं। गीता हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उधर गीता की माँ गीता का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? गीता की माँ दीपिका के घर पहुँचती है और दीपिका की माँ से गीता के बारे में पूछती है। दीपिका आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं, दीपिका बीमार है। गीता की माँ आसपास की जगहों पर गीता को ढूंढती है। वो देखती है कि शांति देवी हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल गीता का होता है। गीता का सिर और चेहरा ठीक होते हैं और सिर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। गीता की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है। क्या है शांति देवी हॉस्टल का राज? आइए सुनते हैं कहानी आत्माओं का हॉस्टल। प्रिया अपने गांव से चंद्रपुर आई थी। उसने चंद्रपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा, किराए पर कोई कमरा ले लेंगे। प्रिया और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए, शहर के सारे कमरे उठ चुके हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाए तो बस चमत्कार ही समझिए। ये आदमी तो पागल लग रहा है, चलिए कहीं और ढूंढते हैं। प्रिया और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शांति देवी हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ,
मिल जाएगा। हमारे हॉस्टल में खाली एक ही कमरा बचा है। प्रिया के पापा हॉस्टल में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। प्रिया के पापा प्रिया को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो नहा धोकर सो जाती है। प्रिया के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। प्रिया की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर भूतनी बैठी है। प्रिया के ऊपर कूद जाती है। प्रिया भयानक तरीके से चिल्ला पड़ती है। प्रिया की आंख खुल जाती है। उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता है मैंने भयानक सपना देखा। तभी कोई प्रिया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। प्रिया दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है। वो एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी कुछ खा ले, मैंने सोचा तू भूखी होगी। बुढ़िया प्रिया को ट्रे देकर चली जाती है। प्रिया खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ट्रे के ऊपर रखा कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। प्रिया ट्रे फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम के बाहर जाती है। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था। तभी प्रिया को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोलो प्रिया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास मत आना। प्रिया लड़की से दूर भागती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है, जिसका केवल शरीर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? प्रिया हॉस्टल के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहाँ दिखाई नहीं देती। प्रिया डरकर हॉस्टल के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर गीता का ही था, जो पहले सीन में दिखाई गई थी। प्रिया घर का दरवाजा खटखटाती है। गीता की माँ बाहर आती है। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शांति देवी हॉस्टल में कमरा लिया है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस हॉस्टल में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी गीता को मार डाला था। और बुढ़िया, जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने के लिए पूछा था? बेटी, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा हॉस्टल के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम हॉस्टल से बाहर निकल आई। गीता की माँ प्रिया को अंदर ले जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वहाँ आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले वो शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का हॉस्टल था। स्ट्रेस में आकर वहाँ कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। प्रिया गीता की माँ के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आज भी शांति देवी हॉस्टल पर आत्माओं का कब्जा है।